Hello, what's good everyone? This is Riz Ways, music producer, sound engineer. आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ नए गाने पे कॉल कैसानोवा फीचरिंग यो यो हनी सिंह लिल पम डीजे शो दुबई सिमर कौर एंड इट्स ऑन बीस म्यूजिक. पहले आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ. पहले रिएक्ट करेंगे, पहले पूरा गाना सुनेंगे, फिर उसके ऊपर एलिमेंट देंगे या उसके ऊपर रिएक्शन देंगे. ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है मैं गाना हमेशा पांच एलिमेंट पे जज करता हूँ, म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग लिरिक्स फ्लो डिलीवरी या वाइब. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आई एम हैविंग अ हाई एक्सपेक्टेशन बिकॉज काफ़ी समय के बाद मैं हनी सिंह का गाना सुन रहा हूँ एंड दैट टू इट हैज लिल पम कोलैब. कोलैबिंग विद लिल पम इट्स अ गुड थिंग. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट गाइस. बाय. रात के 3:30 बजे तेरे आगे शराब सजे घंटे पे घंटा घंटी बजे पासा जकट्टो आएंगे मजे. रात के 3:30 बजे तेरे आगे शराब सजे घंटे पे घंटा घंटी बजे पासा जकट्टो आएंगे मजे. तौबा 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 मेरे यार कैसानोवा. तौबा 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 मेरे यार कैसानोवा. तौबा 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 मेरे यार कैसानोवा. Diamonds on my neck, they froze. Diamonds on my neck, they froze. Hey, hop in the rose. Pull up in the photo, goes. Okay, I'm doing the most. Ooh, they know I'm doing the most. Okay, Dolce, go. Okay, Gucci, Louis, Fendi, Prada, from my head to toe. Pull up in the coupe. Ooh, pull up in the coupe. बीट इज फायर. टिपिकल कमर्शियल पार्टी ट्रैक, टिपिकल हनी सिंह ट्रैक. ठीक है, बीट इज वेरी वेरी गुड, वेरी वाइबी. डेफिनेटली ये हर पार्टी ट्रैक में बजेगा, ये हर हाउस पार्टीज में बजेगा, ये ऑलमोस्ट हर जगह बजने वाला है. आप ट्रैवलिंग में सुनोगे, आप घर पे सुनोगे. अगर आप स्टार्ट पे बीट का एलिमेंट सुनोगे, दिस इज टिपिकल पंजाबी पर्क्यूशन. ये मोस्टली पंजाबी गाने में या साउथ ऑफ इंडिया के गाने में मिलेगा, क्योंकि पर्क्यूशन बहुत मैटर करता है और जहाँ पे आपके वो राइड्स भी आते हैं. सो
इंग्लिश गाने में मेजरली हाई हैट्स होता है, ठीक है, यहाँ पे पर्क्यूशन ही हाई हैट का रिप्लेसमेंट है फॉर बिल्डअप, फॉर बिल्डअप। और एग्जैक्टली यहाँ पे बास गिर रहा है, यहाँ पे किक गिर रहा है एक साथ में, ठीक है, वेरी गुड सॉन्ग। मिक्सिंग मास्टरिंग इज वेरी क्लियर, वेरी ओपन, वेरी ब्रॉड। लिल पंप हैज अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, मंबलिश वॉइस जो उसका यूजुअली फ्लो है, बट ही साउंडिंग वेरी क्लीन। डायमंड शर्मा नेक नेक नेक, मे बी ही इज यूजिंग वेरी स्टॉपी वॉक, सॉरी कॉमा बेस लिरिक्स, दैट्स व्हाई वो बहुत इजीली समझ में आ रही है, अदरवाइज इट्स हार्ड फॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ही स्पीक्स आउट इन मंबल। सॉन्ग इज वेरी गुड, इट्स पार्टी वाइब, गर्ल्स आर ब्यूटिफुल, वीडियो इज अमेजिंग, हनी सिंह इज लुकिंग डैम गुड, ही इज बैक। जो लोगों ने बहुत सारे रूमर्स फैलाए थे, ही इज इनटू दिस दैट एक्स वाई जेड स्टफ, ही इज लुकिंग डोप, ही इज लुकिंग डैम गुड। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी यंग आर्टिस्ट को या एस्पिरेंट रैपर को, कि अगर ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के लिए एग्जांपल है कि अगर आपकी लिरिक्स उतनी अच्छी नहीं है तो बीट वैसी पिक करो जो लोग सुने, वाइब करें। अभी ये गाने की लिरिक्स कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, गाने में बहुत बेसिक बेबी राइम लिरिक्स है, टिपिकल हनी सिंह टाइप, बट ही Hani Singh got a style to present. He has his own way to present. Okay? So, uska style usko bahut support karta hai and he knows majority of artists, agar aap dekhoge commercial music, they want to present very simple song which people will remember easily. Jitna easy lyrics yaad hoge ya jitne kam lyrics hoge, utna jaldi aapke gaane zyada reach pe jaate hain, log zyada sunte hain, aapka retention bahut high hota hai. So, Hani Singh knows, not from now, I'm listening Hani Singh from last 12, 14, 15 years now, when probably I was in school, and he has always delivered, because he used very simplified lyrics, but uski beat hamesha amazing hoti, so hats off to the beat producer, very good beat made, very vibey, very loud, very, what do you call it, danceful, you can say, you can nod your head on the beat, which I was doing, which I don't do on much of the beats, to be very honest. Lyrics, एज आई सेड, गाने को कॉम्प्लीमेंट देने के हिसाब से या बीट को कॉम्प्लीमेंट देने के हिसाब से अगर आप कितने भी टफ लिरिक्स भी लिख लेते तो इतना बेटर डिलीवर साउंड नहीं करता कि बीट विल डोमिनेट बिग टाइम, बिकॉज अगर आप बीट के एलिमेंट सुनोगे, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में अगर आप सुनोगे सिंथ बज रहे, तो अगर वो भी देखोगे तो आप बहुत स्मार्टली प्लेड है, वो आई थिंक थोड़ा सा लेफ्ट पैन पे है, जो स्मार्ट प्रोड्यूसर्स करते ही है यूजुअली, दो एलिमेंट अगर चार एलिमेंट होगा तो दो को लेफ्ट पे डालते हैं, कंप्लीट लेफ्ट कंप्लीट राइट, हाफ लेफ्ट हाफ राइट, ताकि वो उनके एलिमेंट पे साउंड करे। और सो सॉन्ग स्ट्रक्चर इज दिस, इट्स नॉट दिस, सॉन्ग स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि किक एलिमेंट यहाँ आएगा, स्नेर यहाँ आएगा, हाई हैट यहाँ आएगा, और वो मिलके एक ऊपर आके मिक्सिंग होकर फिर उसके ऊपर मास्टरिंग का लेयर आता है, ठीक है, दिस इज हाउ सॉन्ग स्ट्रक्चर इज। ओके, अगर आप बोलोगे सबको एक लेवल पे रखने के लिए, अगर आप सबके सब -6 dB पे रखोगे, तो म्यूजिक का रूल ये है, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है बट ये बनाया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, म्यूजिक का लॉजिक ये है कि आपका एटलीस्ट एक या दो एलिमेंट, आपकी जो एक मेलोडी और काउंटर मेलोडी, वो हेयरेबल होनी चाहिए, मतलब आपको सुनाई देनी चाहिए क्लियरली। फिर बहुत कम ऐसे लिसनर होंगे, 95% लिसनर होंगे जो बीट के बैकग्राउंड एलिमेंट पर ध्यान भी नहीं देते होंगे। आई डू इट अलॉट, क्योंकि ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर मेरे को भी अभी बहुत कुछ लर्न करना बाकी है, राइट, व्हाट समवन इज ट्राइंग, व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, कोई और लोग क्या कर रहे हैं, कोई कैसा ट्राई कर रहा है, कोई क्या नया लेके आता है। सो गाइज, आई रिमेंबर आई एम स्टिल पार्ट ऑफ यूरोपियन म्यूजिक फोरम, ओके, जहाँ पे मेजोरिटी म्यूजिक प्रोड्यूसर आई EDM फ्रॉम प्रोग्रेसिव या सब जॉनरी के हैं, एंड आई स्टिल फील दे आर सो ओपन। अगर मैं कोई चीज़ में अटकता हूँ या मेरे को लगता है कि नहीं, नाउ आई एम गेटिंग दैट क्रिएटिविटी ब्लॉक इन माई प्रोडक्शन, आई सेंड द फाइल टू देम, दे वर्क आउट एंड दिस गेट बैक टू मी विद द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मैं फर्स्ट चुका था, मतलब मेरा क्रिएटिविटी, मेरी यूजुअली आर्टिस्ट लोगों को क्रिएटिविटी ब्लॉक आती है, एंड आई वाज वर्किंग बैक टू बैक फर्स्ट लाइक 6-7 months, आई सेंड इट टू देम, आई गॉट 70 रिवर्ट्स ऑन द सेम फाइल विद 70 डिफरेंट वेरिएशन, इमेजिन 70 इन स्पैन ऑफ 4-5 hours, पीपल आई हैव जस्ट लाइक ब्लेंड सो मच, सो मेनी थिंग्स, सो देयर वाज लाइक ममूश यूज, देयर वाज फ्लूट यूज, देयर वाज सिंथ ट्रम्पेट,
वॉयलिन, somebody made send me a choir out of it. तो जितने भी प्रोड्यूसर है, अगर आप लोग जितना हो सकता है उतने कोई फोरम ज्वाइन करो, आप लोगों को बहुत मैटर करेगा, बहुत लर्निंग एजुकेशन मिलेगी आपको. आप रेडिट पे ज्वाइन कर सकते हो. लिरिक्स ऐसा वैसे नहीं, डिलीवरी वॉज ओके गुड. ज़्यादा लिरिक्स लिखी भी नहीं थी यार. इट वॉज जस्ट लाइक कॉमा एंड रिपीटिव वर्ड्स, तो डिलीवरेंस पे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं. दैट वॉज नथिंग न्यू ट्राइड या कुछ एक्स्ट्रा या ओवर द ब्लू मून या लाइक वाओ साउंडिंग हुक फ्लो तो नहीं था फॉर श्योर. वाइब बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली वापस सुनोगे, पार्टी में बजेगा, हर जगह पे जाएगा. स्पेशली मेरे को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, अगर आप सुनोगे बराबर. That was clever. वहाँ पे अगर आप सुनोगे तो सिर्फ वो ड्रू सुनाई दे रहा है, बाकी पूरे बीट एलिमेंट ड्रॉप हो चुके हैं, एंड देन ही स्टार्टिंग अप अगेन. तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, यंग आर्टिस्ट, अगर आप लोग को फ्लो स्विच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग लिरिक्स तो लिख लेते हो, सात वर्ड का एक बार लिख लेते हो, बाद में आप फ्लो स्विच करने के लिए आप चार चार वर्ड का लाइक मल्टीपल कॉमर्स वाले बार लिखते हो, लेकिन आप पता नहीं है कि आपको कैसा वहाँ से उठाना है या कंटिन्यू करना है. आप लोग अटक जाते हो, आप लोग एग्जैक्टली आपका आर्टिकुलेशन नहीं पता है कहाँ छोड़ना है. सिंपल, दिस इज द ट्रिक. बीट ड्रॉप करो, राइजर ऐड करो या जूनो ऐड करो, ओके, या रिवर्ब ऐड करो, या यू कैन से रिवर्स इफेक्ट ऐड करो. आज का प्रोड्यूसर कि दिस इज द प्रॉब्लम, आप अपने साउंड इंजीनियर को बोलो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कि ये जगह पे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्या वहाँ पे वो ऐड कर सकते हो या बीट ड्रॉप दे सकते हो. ऑब्वियसली ही विल डू इट, एंड जस्ट लाइक एक कट मारेगा और स्पेस दे देगा आपका रिवर्ब, आपका स्पेस आ जाएगा, वहाँ से आप उठा लो फ्रेश फील. तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड गाइज, यू नीड टू हैव नॉलेज. इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन होगा. आप एग्जाम देने जाते हो, आपको आपने जब पढ़े नहीं हो तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा, देन यू से इट्स कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यू डोंट नो, यू डोंट हैव ए नॉलेज अबाउट इट. तो गाइज आई ऑलवेज सेज, जितने भी यंग रैपर है, एस्पिरेंट रैपर है, इमर्जिंग रैपर है, ठीक है, उनके लिए कि टेक द मैक्सिमम लर्निंग आउट ऑफ यू. आपके पास 3, 4, 5, 6 जनरेशन, 60 ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, 6 डेकेड का आपके पास नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन पाइल पड़ा हुआ है. ये डिपेंड करता है आप कैसा लेते हो. सेकेंडली, अगर आपको और डेवलप करना है तो आप कोशिश करो मल्टीपल आर्टिस्ट मत सुनो. आई एम सेइंग दिस फॉर ए रीजन. अगर आप मल्टीपल आर्टिस्ट सुनते हो तो आप ट्राई करते हो, मैं ये ट्राई करूँगा वो मत करो. आप एक आर्टिस्ट पकड़ो, एक आर्टिस्ट की पूरी डिस्कोग्राफी सुनो, लिसन टू द वर्ड हाउ ही डिलीवर्स, लाइक बास्कियास, दिस इज हाउ जेजी से बास्किया, एंड इन द सॉन्ग लिल पंप से बैलेंसियागा, ही हैड अ डिफरेंट एक्सेंट, रिकॉर्ड से बैलेंसियागा. सो हर एक का एक बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपकी स्टाइल को सूट करेगा. जो आपकी स्टाइल को सूट करेगा आप वैसा यूज करो, ठीक है. सो वेरी गुड सॉन्ग, दैट्स ऑल फ्रॉम कासानोवा, यो यो हनी सिंह, लिल पंप, डीजे शैडो दुबई, सिमर कौर, जो आई थिंक बीच में ब्रिज दिए. So thank you for joining on the Music Producer Reacts. I'll be back again with another reaction. Till then, goodbye guys.